Shiny, where can we go? Shiny! शाइनी पकड़ो उसको खजूर क्या बदतमीजी है ये खजूर यस यस छोटे पपीज में एनर्जी भर भर के होती है तो उस एनर्जी को एग्जॉस्ट करना बहुत जरूरी होता है लेकिन खजूर के केस में तो आप देख ही चुके होंगे कि इसको थकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पीपल फार्म के सभी रेस्क्यूड एनिमल्स की तरह ही खजूर की भी अपनी एक स्टोरी है, आइए देखते हैं। खजूर को एक कार ने टक्कर मार दी थी जिस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई थी और उसकी पिछली टांगों में नर्व डैमेज था, वो चल भी नहीं पा रही थी। तो सौरभ जी ने जब खजूर को इस हालत में देखा उन्होंने सीधा हमें कॉल की। उन दिनों पार्वो की वजह से फार्म पे बहुत सारे पपीज ने दम तोड़ा था, ऐसी हालत में एक और पपी को फार्म में लाने से हम बहुत हिचकिचा रहे थे, इसलिए हमने खजूर के लिए मना कर दिया और सौरभ जी को यही सलाह दी कि वो उसे जल्द से जल्द किसी वेट के पास ले जाए। सौरभ जी ने खजूर को कुछ दिनों के लिए तो अपने पास रख लिया और उसका इलाज भी करवाया लेकिन 15 दिन बाद वो उसे वापस हमारे पास ले आए। हमने उसे आइसोलेट करके क्लिनिक में तो रख लिया लेकिन ये रिस्की बहुत था। कई बार जब लोग हमारे पास एनिमल लेकर आते हैं और स्पेस की वजह से हमें उन्हें मना करना पड़ता है तो ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उस एनिमल को हमारे सामने देख रहे होते हैं। ये बात सामने लोगों के लिए भी एक्सेप्ट करनी मुश्किल होती है क्योंकि हम ही उनके लिए एक लास्ट उम्मीद है, लेकिन वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमें इमोशनली प्रेशराइज करने लगते हैं, बार बार कहने लगते हैं कि बस एक एनिमल और ले लीजिए, लेकिन बस एक करके ही हम अपनी कैपेसिटी से ओवर कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ के एनिमल्स के लिए भी बिल्कुल फेयर नहीं है। लोग हमारे साथ फॉस्टर कर सकते हैं, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उस एनिमल का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं जो कि हमारे और उस एनिमल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो खजूर को आइसोलेशन में रखने के बावजूद भी इसकी कैल्शियम की, मल्टी विटामिन्स की और साथ में फिजियोथेरेपी ये सब चली रही थी। बहुत जल्दी ये पार्वो नेगेटिव भी हो गई थी और अब इसकी टांगें बहुत सही चलती है, ये दौड़ती है, खेलती है, बहुत एनर्जेटिक है। तो इसको देख के अब ऐसा लगता नहीं है कि ये वही खजूर है जो 4 महीने पहले हमारे पास आई थी। अभी खजूर और मैं जा रहे हैं ऑफिस सबको काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हाय आमतौर पे डॉग्स और अडॉप्ट हो ही जाते हैं लेकिन खजूर के केस में क्या दिक्कत आ रही है वो रॉबिन आपको बताएंगे। जब खजूर यहाँ पे आई तो उसको नर्व डैमेज था, ऐसे केसेस में क्या होता है समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाए तो बड़ी जल्दी ये डैमेज रिवर्स हो जाता है। तो खजूर के केस में ऐसा हुआ, इसने झटपट चलना शुरू कर दिया जो कि बड़ी अच्छी बात है। अब मैं फार्म में देखता हूँ मीडिया, मेरा काम है कि जो भी जानवर यहाँ पे आए इसकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना ताकि लोगों में जानवरों के प्रति करुणा जागे और खजूर जैसे बच्चों को घर मिले। पर खजूर की कहानी सेंसेशनल नहीं है ना, कि भाई सनसनीखेज नहीं है कि कुत्ते को सर में गोली लगी हुई है या गाय का पेट फटा हुआ है, गोबर गिर रहा है, क्योंकि ऐसे कंटेंट को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं। तो मुझे यही है कि भाई इसकी कहानी बहुत लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो इसको घर कैसे मिलेगा। और इसके लिए एक बात कहूं, गलती हमारी खुद की भी है क्योंकि हम भी तो सेंसेशनल कंटेंट बनाते हैं ना, और जब हम इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इस ट्रेंड को परपेचुएट करते हैं, यानी कि हम इस ट्रेंड को बढ़ावा देते हैं। पर हम इसको समझते हैं और इसीलिए इसको ऑफसेट करने के लिए हम ऐसा कंटेंट भी बनाते हैं जिसमें हम आपसे सीधी बात करते हैं कि भाई ये हुआ, ये होना चाहिए था, हम ये कर सकते हैं, चाहे उसको व्यूज़ मिले या ना मिले। तो एज प्रोड्यूसर ये हमारी जिम्मेदारी है, पर एज कंटेंट कंज्यूमर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं आप उस पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप उसको वोट डालते हैं, आप बढ़ावा देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सेंसेशनल कंटेंट से पीछे हटिए और जो कंटेंट आपके सामने सीधा सीधा रखा गया है, ईमानदारी वाली बात है जिसमें, आप उसको बढ़ावा दीजिए।